हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरकेवाई टेक्निक चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। तो आप सभी के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आप सभी को बता दिया जाए कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो एग्जाम में आने वाले पैटर्न पर सेम टू सेम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, उसी आधार पे कराए जा रहे हैं। और हो सकता है इनमें से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो ना देखने वाले वीडियो को तो स्किप करके ही चले जाएंगे। लेकिन जिनको भविष्य में कुछ करना है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि 100% आप लोग देखिए। और आप लोगों को बता दिया जाएगा, यह 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। आप लोगों के एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेम टू सेम आपको ऐसे ही कराए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है। लखनऊ समझौते पर देश के बीच हस्ताक्षर हुए। तो दोस्तों, लखनऊ समझौते के बीच जो हस्ताक्षर हुआ था, वह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो दोस्तों, गजनी के सुल्तान महमूद ने जिस भारतीय प्रसिद्ध मंदिर पर हमला किया था, वह मंदिर आपका सोमनाथ मंदिर है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए। और आप लोगों ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो जो है चंद्रयान से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कवर कराए गए हैं नहीं देखा है, तो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर उस वीडियो को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, पामेल हाउस, रोमन रिंग्स और वर्टिंग टेबल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पामेल हाउस, रोमन रिंग्स और वर्टिंग टेबल्स का संबंध जिससे है, वह आपका ऑप्शन नंबर 4 जिम्नास्टिकल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन आपका, द जोया फैक्टर किसके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास है? दोस्तों, द जोया जोया फैक्टर जो है, यह आपका जो लिखा गया है अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास से, याद रखिएगा, अनुजा चौहान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप सभी लोग, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, हमारा जो अर्थशास्त्र है, यह आपका जो लिखा गया है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग करते जाएंगे, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप जो है आपका, वह इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमने शुरू में बताना आपको भूल गया कि हमारी इस वीडियो में आप लोगों को स्टैटिक्स, हिस्ट्री, भूगोल और साथ ही में आपके केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी आपके जो एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं, क्वेश्चन सेट हैं, सारे सेट आपको 2 सेट हर वीडियो में कराए जाते हैं। तो आप लोग दोनों वीडियो, दोनों सेट को जरूर देखें अंत तक, और साथ ही में हो सके तो आप लोग नोट्स करते हुए भी जाएं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतों भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, भूत कोला का संबंध जिस राज्य से है, वह राज्य आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच जो है, किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह जिससे संबंधित है वह आपका है शिक्षा, याद रखिएगा, यह किससे संबंधित है आपका, शिक्षा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल के जो है किस दिशा में स्थित है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि भारत का जो पड़ोसी देश नेपाल है,
भारत के किस दिशा में स्थित है? दोस्तों यह जिस दिशा में स्थित है वह दिशा आपकी है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर दिशा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेपाल है हिमालय के पास में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों। किस मुगल सम्राट ने एलोरा की जो है कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास जिस मुगल सम्राट ने किया था वह आपके हैं औरंगजेब ने। औरंगजेब ने मुगल जो एक मुगल सम्राट है इन्होंने क्या किया था, एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्गों से मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन मोड़ों को हम लोग जो कहते हैं वह मेरे प्यारे दोस्त विसर्प कहते हैं। याद रखिएगा विसर्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे पत्तियों की सहायता करता है। तो दोस्तों ये पत्तियों में सहायता क्या करता है? तो दोस्तों ये पत्तियों में क्लोरोफिल की भांति सहायता करता है। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वह मेरे प्यारे दोस्तों आपको 25 जनवरी को भारत में जो है मतदाता दिवस मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश हैं। तो दोस्तों देनदारी क्या है एक बैंक के लिए? तो दोस्तों देनदारी जो होता है एक आपकी जमाएं होती हैं, जो जमा किए रहते हैं लोग वही हम लोग क्या करते हैं ये जमाएं कहलाती हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो दोस्तों वह किस क्षेत्र की एक नर्तकी थी? तो दोस्तों वह जिस क्षेत्र की नर्तकी थी वह भरतनाट्यम की नर्तकी थी। याद रखिएगा भरतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पेमेंट विजन 2025, पेमेंट विजन उसका नाम 2025 कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए, इसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र ना रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी है। तो दोस्तों यह किसका है? दोस्तों यह उस्ताद बिस्मिल्ला खां का है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग RKY टेक्निक टेलीग्राम चैनल को जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से सर्च कर सकते हैं और वहां से जाके आप लोग ज्वाइन भी हो सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जियोजीरिया मेलोनी जो है हाल ही में किस देश की पहली प्रधानमंत्री महिला बनी है, महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? तो दोस्तों टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की जो लंबाई होती है वह आपकी 274 सेंटीमीटर होती है। याद रखिएगा 274 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो प्रतिबिंब हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करते हैं। क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है वह आपका क्या है, गेहूं। गेहूं जो है आपका यह मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राष्ट्र जो की जनसंख्या जो है किस राष्ट्र की जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के जो है बीच वर्गीकृत किया गया है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर करना। क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों यह कौन सा अनुच्छेद होता है कि जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद जो है आपका 44, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हार्नबिल महोत्सव जिस राज्य में मनाया जाता है वह राज्य आपका नागालैंड है, याद रखिएगा वह राज्य आपका नागालैंड है। वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने जिन लोगों ने लाइक किया बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अक्टूबर 2022 तक भारत में जो है डैश तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला जो है संपार्श्विक मुक्त ऋण एक सूक्ष्म वित्तीय ऋण कहलाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितने रुपए तक, तो दोस्तों यह आपका 3 लाख तक, याद रखिएगा 3 लाख रुपए तक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन आप सभी का, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जिस जो है केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है वह आपका है दमन और दीव, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी जो है आत्मकथा है? तो दोस्तों ड्रीम्स ऑफ माय फादर जिसकी आत्मकथा है वह आपके ब्राक ओबामा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? तो दोस्तों राहुल देव वर्मन ने किस जो है गीत की रचना की थी? तो दोस्तों वह गीत आपका कौन सा है? तो दोस्तों वह गीत है आपका ए दोस्ती हम न तोड़ेंगे। ये जो गीत है इसका जो है संगीतकार राहुल देव वर्मन जी ने की थी। चलिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है? तो दोस्तों बैटरी में जिस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह ऊर्जा आपकी होती है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण जो होता है हमारा किस रूप में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह जिस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी वह राज्य आपका है तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा यह शुरू की गई थी। क्वेश्चन आपका, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों रामप्पा मंदिर जिस देवता को समर्पित है वह मंदिर आपको जो है समर्पित जिस भगवान को है वह आपके कौन है, वह भगवान शिव को समर्पित है रामप्पा मंदिर। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो दोस्तों ग्यासुद्दीन जो है तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर जो बैठा आपका वह आपके मोहम्मद बिन तुगलक बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद आपका जो होगा 16, यानी आर्टिकल 16 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, लियोनेल मेसी जो है किस खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों लियोनेल मेसी जिस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वह खेल आपका फुटबॉल है, याद रखिएगा फुटबॉल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह आपका नींबू है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करते जाएंगे कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 और 1856 के बीच हुआ? तो दोस्तों इनमें से जो विद्रोह 1855 और 1856 के बीच हुआ वह विद्रोह आपका संथाल का विद्रोह है।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे मेरे प्यार दोस्तों, 2016, 2016 और लाइकेन, सॉरी काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो दोस्तों काई और लाइकेन जिस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं वे आपके वन जो हैं टुंड्रा वन कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, कोशिका के किस जो है कोशिका के किस घटक को अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक जो है करीतियों को कुरीतियों रहेगा दोस्तों, कुरीतियों को हटाने का हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए जो है डैश की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसकी शुरुआत की गई है वह आपका है अकाली आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे हम लोग, क्वेश्चन है वैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों वैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव जिस महीने में मनाया जाता है वह आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों यह जिस नदी के दक्षिण में स्थित है वह नदी आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, क्वेश्चन है भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला उच्च न्यायालय जो स्थापित किया गया था वे मेरे प्यारे दोस्तों आपका 1862 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करते जाएंगे, क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारत ने डैश के साथ USD 374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 4, फिलीपींस आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है भारोत्तोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपके सभी दोस्त SSC MTS में इस बार जो है झंडा लहरा कर आए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जो है डैश में शामिल कर लिया गया था? तो दोस्तों ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किसमें शामिल कर लिया गया था? तो दोस्तों यह जिसमें शामिल किया गया था वह जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, सुग्गी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह जिस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह राज्य आपका कर्नाटक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने SSC MTS के जो है SSC MTS के दो सेट हमने कवर किए हैं 2022 से लेकर 2023 तक के। तो आप लोगों ने जो है हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको भी जरूर देखें, और डेली इसी तरह की कैसे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस आपको 50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड किए गए हैं, 2 सेट। तो बस इतना ही के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल न्यू वीडियो में 2 सेट के साथ। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। चलिए